नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन और मेरे साथ आप देख रहे हैं खरी बात नो बकवास। और आज जिस मुद्दे पर मैं आपके सामने हूं वो मुद्दा है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लिखी गई 8 पन्नों की ये चिट्ठी जो किसानों के नाम उन्होंने संबोधित की है। 8 पन्नों की चिट्ठी में देखते हैं कि कृषि मंत्री ने ऐसा क्या कह दिया कि 5-6 बार जो वार्ता हुई किसानों के साथ उसमें वो किसानों को नहीं समझा पाए, लेकिन इस चिट्ठी के माध्यम से कृषि मंत्री क्या कुछ कहना चाहते हैं। दरअसल जो मुख्य मुद्दा जो इस पर है वो किसानों को ये कह रहे हैं कि उनके मन में जो शंकाएं हैं वो उनको भ्रमित करने के इरादे से दुष्प्रचार किया गया है। विपक्ष का इसमें मुख्य मुद्दा है और जो शंकाएं हैं उसको उन्हें दूर कर देनी चाहिए कि जो कृषि कानून है उनके हित में ही लाई गई है। तो ये 8 पन्नों की चिट्ठी है और उसकी शुरुआत में कृषि मंत्री लिखते हैं कि देश का कृषि मंत्री होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि हर किसान का भ्रम दूर करो। तो 5-6 बार की जो दौरे वार्ता हुई उसमें कृषि मंत्री ये बात नहीं समझा पाए। हर किसान की चिंता दूर करूं, मेरा दायित्व है कि सरकार और किसानों के बीच दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में जो झूठ की दीवार बनाने की साजिश रची जा रही है उसकी सच्चाई और सही वास्तु स्थिति आपके सामने रखूं। ये कृषि मंत्री ने लिखा है और एक इमोशनल एंगल भी उन्होंने इस चिट्ठी में डाला है। देखिए, मैं किसान परिवार से आता हूं, खेती की बारीकियां और खेती की चुनौतियां दोनों को ही देखते हुए समझते हुए मैं बड़ा हुआ हूं। खेत में पानी देने के लिए रात तक जागना, पानी चलते हुए मेड़ टूट जाने पर उसे बंद करने के लिए भागना, असमय बारिश का डर, समय पर बारिश की खुशी, ये सब मेरे भी जीवन का हिस्सा रहे हैं। फसल कटने के बाद उसे बेचने के लिए हफ्तों का इंतजार भी मैंने देखा है। तो कृषि मंत्री ने इस चिट्ठी में तो ये जाहिर करने की कोशिश की है कि वो किसानों की जो मुश्किलें होती हैं खेती के दौरान, फसल काटने से लेकर बेचने, हर किस्म की जो मुश्किलें होती हैं उसको वो बखूबी समझते हैं। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि आखिर नरेंद्र जी, जब आप किसानों से इतनी बार मिले, इतनी वार्ताएं हुई, तो ये बात आप किसानों को समझा कैसे नहीं पाए कि आप भी एक किसान परिवार से आते हैं और उनके दुख दर्द को आप बखूबी समझ रहे हैं। 22 दिन से कड़कड़ाती ठंड में जो किसान है वो सड़क पर है, कोई ट्रैक्टर में सो रहा है, कोई ट्रक में सो रहा है, उसके नीचे सो रहा है, सड़क किनारे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ये तमाम जब आप और हम घर में चार दीवारी में कैद हैं, आप देखिए बाहर का टेम्परेचर कैसा है। ऐसे में किसान इस कड़कड़ाती ठंड में जो बाहर 22 दिन से सड़क पर हैं, वो क्या ऐसे ही सड़क पर हैं? उनकी मांगे नाजायज हैं, आप ये कहना चाहते हैं? उनके मन में जो भ्रम है, जो शंका है, आप उसको भ्रम का नाम दे रहे हैं? मतलब अब तक आप लोगों ने उनके दुख दर्द को नहीं समझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कच्छ जाकर किसानों से मिल लेते हैं, वहां वार्ता कर लेते हैं। अमित शाह किसान परिवार में भोजन करने का प्लान बनाते हैं क्योंकि बंगाल में चुनाव नजदीक है, लेकिन यहाँ के किसानों से मिलने के लिए आप लोगों के पास फुर्सत नहीं है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस 8 पन्ने की चिट्ठी में नरेंद्र सिंह तोमर ने लिखा है और कहा है कि मेरा किसानों से आग्रह है कि राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित कुछ लोगों द्वारा फैलाए जा रहे इस सफेद झूठ को पहचानें और इसे सिरे से खारिज करें। जिस सरकार ने किसानों को लागत का जो भी उन्होंने कहने की कोशिश की है कि एमएसपी की व्यवस्था खत्म हो रही है, ये जो भ्रम है आपके मन में है, ऐसा नहीं हो रहा है, एमएसपी का सिस्टम जारी है, जारी रहेगा। ये देखिए, मैं आपको ये चित्र दिखा रही हूँ, ये पूरा झूठ और सच का एक कॉलम उन्होंने ऐसे बनाया है कि ये झूठ है जो रेड कलम में है यहाँ, ये झूठ है और ये ग्रीन कलम में आप जो देख रहे हैं ये सच है। तो जिन मुद्दों पर किसान लगातार इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये इशारा होता है कि सरकार जो है, केंद्र सरकार, इस मुद्दे को निपटा पाने में, किसानों के साथ एक म्यूचुअल समझौता कर पाने में असफल हो रही है और केंद्र सरकार की जो इसमें पूरी की पूरी कोशिश रही है वो नाकामयाब कोशिश रही है। उसको आप एक चिट्ठी के माध्यम से झूठ और सच का कॉलम बनाकर इस तरह से भेज रहे हैं। तो क्या इस चिट्ठी को पढ़कर किसान जो है
वो समझ जाएंगे कि उनके साथ जो जो जिस तेजी में आपने कानून बनाए, आपने कहा पूरे विचार के साथ आपने कानून बनाया, अलग अलग लोगों से राय ली, तो लेकिन किसानों को उसमें कहीं नहीं जोड़ा गया। तो अब इस चिट्ठी के माध्यम से आप किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए मैं आपको अगला पन्ना भी बताती हूँ। तो नरेंद्र सिंह तोमर लिखते हैं कि जिस सरकार ने किसानों को लागत का 1.5 गुना MSP दिया, जिस सरकार ने पिछले 6 साल में MSP के जरिए लगभग 2 गुनी राशि किसानों के खाते में पहुंचाई, वह सरकार MSP कभी बंद नहीं करेगी। MSP जारी है और जारी रहेगी। तो इस मुद्दे पर, MSP का जो मुद्दा लगातार, उस पर सरकार का ये कहना है, लेकिन अभी तो आपने ये बयान दिया था कि नहीं, सिर्फ इसमें एक राज्य के किसान हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, या मुझे लगता है समस्त देशवासियों को ये पता है कि इसमें सिर्फ एक राज्य के किसान आंदोलन नहीं कर रहे, बल्कि कई राज्यों के किसान, आप देखिए हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मतलब कहाँ कहाँ, आपको बताऊं, आपको सिर्फ एक राज्य इसमें दिख रहा है, पंजाब। क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार नहीं है, इसलिए आपको वो सिख नजर आ रहे हैं, पंजाब के लोग नजर आ रहे हैं जो कि इस आंदोलन में हैं। तो मैं कहूंगी आंदोलन में कल जिस तरह से संत बाबा राम सिंह जी ने आत्महत्या की, अखबारों ने यही कहा आत्महत्या है, एक सुसाइड नोट भी मिला, हालांकि मैं इसमें कतई नहीं जाना चाहूंगी कि ये सही है आत्महत्या करना या गलत है, लेकिन ये जो एक कल घटना घटी है, उनकी, उनको शहादत माना जा रहा है, उनकी आत्महत्या को या कुर्बानी माना जा रहा है, तो किसानों को आखिर इतना परेशान क्यों होना पड़ा, क्यों सरकार उनकी बातों को सुनने में असफल रही, क्यों बार बार ये जो आपकी वार्ताएं हैं हुई वो विफल हुई, क्यों आप किसानों को नहीं समझा पाए। आप कह रहे हैं बार बार कि इसमें एक राजनीतिक स्ट्रैटेजी है जो आपके विपरीत काम कर रही है, एक पूरा काम, सिर्फ इसमें एक राज्य के किसान नहीं है नरेंद्र सिंह जी, आपको ये बताना चाहूंगी, तमाम अलग अलग राज्य के किसान हैं जो दिल्ली के मुहाने तक आए हैं और यहाँ पर वो आंदोलन कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कभी अनशन कर रहे हैं, और जिस तरह से वो 22 दिनों से सड़क पर हैं, अब तक मुझे लगता है कि कोई पत्थर दिल भी होगा तो वो पसीज जाएगा। देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो इसमें कही गई है, साल 2014 में जब NDA की सरकार बनी तो हमने इन सुधारों पर, जो है कृषि कानून को लेकर सुधारों पर, नए सिरे से चर्चा शुरू की, राज्य सरकारों को मॉडल कानून भेजे गए, मुख्यमंत्रियों की कमेटियों में चर्चा हुई, 6 माह में हम देश के करोड़ों किसान तक इस बात को लेकर गए, करीब 1.5 लाख ट्रेनिंग और वेबिनार सेशन के जरिए किसानों से जुड़े विभिन्न मामलों और नए कृषि कानूनों के प्रावधानों पर चर्चा की। तो ये जो नए कृषि कानून अस्तित्व में आए हैं, आप कह रहे हैं नरेंद्र जी, लेकिन इसमें कहीं भी किसान संगठनों को शामिल नहीं किया गया इस कानून बनाने से पहले, उनसे पहले वार्ताएं नहीं की गई कि उनको क्या चाहिए। अब आप चिट्ठी भेजकर ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें तमाम राज्यों से मॉडल कानून मंगाए गए, उनसे चर्चाएं की गई, मुख्यमंत्रियों से बातचीत की गई, लेकिन जो लोग जमीनी हकीकत को आप देखिए, जमीन पर उतरकर, खेत में उतरकर काम करते हैं, जिन्हें रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हमने आपको पहले भी एक रिपोर्ट में बताया था कि कितना कमा पाता है एक किसान। आप देखिए बिहार का किसान, पंजाब का किसान सबसे उन्नत कमाता है, बेहतर कमाता है, वो भी बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन बिहार का जो किसान है वो महज 100 से 125 रुपए रोजाना कमाता है। क्या ये एक अच्छी रकम है? जो आप कह रहे हैं कि आपने पूरे किसान संगठनों से चर्चा की और उसके बाद जाकर ये कानून लेकर आए जो किसानों के हित में है, लेकिन किसान इसको नहीं समझ पा रहे कि ये उनके हित की बात है। किसान भाइयों बहनों, चिट्ठी में लिखा है, मंडियां चालू हैं, चालू रहेंगी, APMC को और अधिक मजबूत किया जा रहा है, इसके साथ साथ खुला बाजार आपको अपने घर पर ही अच्छी उपज को अच्छे दामों पर बेचने का विकल्प भी देगा, साथ में खेत से मंडी तक अनाज ले जाने का भाड़ा भी बचाएगा, फिर मंडी का विकल्प तो है ही। कृषि उपज मंडियां पहले की तरह काम करती रहेंगी। बीते 5-6 वर्षों में कृषि मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। जी हाँ, जिस तरह से कॉरपोरेट्स को लेकर
बहुत ज्यादा काम हुआ है वो ये लगता है कि इसमें काफी पैसे खर्च हुए हैं। इन्हें आने वाले समय में आधुनिक बनाया जाएगा जिसका अंदाजा किसानों को नहीं है। और बार बार ये जो दोषारोपण है कि जिन लोगों की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है वो लोग पूरी तरह से यह काल्पनिक झूठ फैला रहे हैं कि किसानों की जमीन छीन ली जाएगी। जब किसान और व्यापारी के बीच एग्रीमेंट सिर्फ उपज का होगा तो जमीन कैसे चली जाएगी। तो जिस तरह से कोल्ड स्टोरेज पूरे देश में लाए जा रहे हैं, आप देखिए आंध्र में है, पंजाब में है, पंजाब में शायद अगर मेरी इंफॉर्मेशन सही हो तो 5 है, वैसे देश भर में 12 से 14 कोल्ड स्टोरेज लाने की बात है। तो जिस तरह से कॉरपोरेट को इसमें घुसाया जा रहा है, इस पूरे मुद्दे में उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे किसान जो संगठन है, किसान है, उनके अंदर डर होना जायज है। अब देखिए हमारी सरकार नियत और नीति दोनों से किसान के लिए प्रतिबद्ध है, बिल्कुल आप नियत पर शक नहीं कर सकते हैं। इतनी बार आपसे मुलाकात की है, सत्ता में बैठे मंत्रियों ने पूरे मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की है, प्रधानमंत्री अलग अलग जगह जाकर कच्छ से तो कभी कहीं से किसानों से मिल रहे हैं, लगातार आप लोगों की संवेदनाओं को, अपने आपके दुखों को वो समझ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, तो ये 8 पन्नों की जो चिट्ठी है ये मैं पूरा तो पूरा आपके सामने नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ इसमें जो मुख्य पॉइंट्स हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। बेसिकली कुल मिलाकर इस चिट्ठी का जो अगर मैं कहूँ निचोड़ है वो यही है कि किसान जो सोच रहे हैं, जो भ्रम है, ऐसा नहीं है, विपक्ष एक गेम खेल रही है। तो जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगी, ये झूठ सच के कॉलम को आप बहुत ही गौर से देखें। मैं इसको आपके लिए स्क्रीन पे लगा रही हूं ताकि आप समझ सकें कि क्या झूठ है और सरकार क्या सच कहना चाह रही है। और कुल मिलाकर सरकार यही कह रही है कि ये विपक्ष ने इसे एक मुद्दा बनाया है, किसान भ्रमित हो चुके हैं और सरकार जो है प्रतिबद्ध है कि वो किसानों का जो मुद्दा है उनको समझेंगे और कृषि को समृद्ध बनाएंगे, संपन्न बनाएंगे। आपका अपना नरेंद्र सिंह तोमर। तो अन्नदाताओं को आश्वासन दिया गया है कि MSP के बारे में सरकार लिखित आश्वासन देने को तैयार है। ये देखिए आश्वासन है नीचे, ये मुद्दे मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। APMC के बाहर निजी बाजारों पर राज्यों को कर लगाने की अनुमति दी जा सकती है। किसी भी प्रकार के विवाद के समाधान के लिए किसानों के पास अदालत जाने का विकल्प भी होगा। राज्यों को कृषि समझौते पंजीकृत करने का अधिकार होगा। कोई भी किसानों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता क्योंकि यह कानून किसानों की भूमि के किसी तरह के ट्रांसफर, बिक्री, लीज और गिरवी की अनुमति नहीं देता है। कॉन्ट्रैक्ट किसानों की जमीन पर किसी भी तरह का स्थायी बदलाव नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्टर्स को किसानों की जमीन पर उनके किसी भी अस्थायी निर्माण के लिए लोन नहीं दिया जा सकता है। स्थिति चाहे कुछ भी हो लेकिन कानून किसानों की जमीन को जब्त किए जाने की किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दे सकता है। तो ये चिट्ठी, ये खबर मैंने आपको आप तक पहुंचाई है जो नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री अपनी बात रखना चाहते हैं किसानों तक। अब देखिए एक कमेटी बनाने की बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है ताकि किसानों का जो मुद्दा है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर सुनवाई नहीं हुई है कि ये कानून सही है गलत है, इस बात पर सुनवाई हो रही है कि जो याचिकाएं डाली गई थी कि पूरा का पूरा ये जो आंदोलन है उसके कारण लोग जो है बंद गए हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये आंदोलन जो है वो जायज है या नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों को आंदोलन करने का अधिकार है लेकिन वो अहिंसक होना चाहिए और इस पर एक कमेटी गठित की जा सकती है। तो खैर इस खबर में फिलहाल इतना ही, आगे और अपडेट हमेशा की तरह हम आपको इस मुद्दे पर देते रहेंगे। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।